2020 में ना, सन 2020 में लॉकडाउन लगा था, लगा था ना। नहीं देखो, मैं पिछले 8-10 महीनों से नोटिस कर रहा हूँ कि ये बात मैं जब जब जाके कह रहा हूँ सारे हाँ नहीं कह रहे। बहनचोद, कोई ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मैं और मेरा परिवार ही अंदर बैठे हुए थे? क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा है, वो ऐसे नीचे से कहते हुए जा रहे थे 270 वाले तो बड़े फद्दू हैं। ये क्यों नहीं लगा था? पक्का है ना, लगा था, एका है ना इस बात पे सबका? हाँ हाँ, तो कोई भी एक, कोई एक आध बंदा कोई गैस करके ऐसे उसको सोच के अगर ये बता पाए कि लॉकडाउन कितना लगा था, किसी को आइडिया? बड़ी जोर का लगा था। कैसे घूम के लेटे हुए थे? मतलब एक्चुअल आंसर ये है कि लॉकडाउन बहुत लगा था। अब दिन में व्यक्त नहीं हो पा रही है वाली फीलिंग। आप किसी से जाके पूछ लो, भाई लॉकडाउन कितना लगा था? बहुत लगा था। आज भी कभी कभी हल्का हल्का लग जाता। उनको देखो ना कितनी जोर का लगा है। इनसे पूछो, ट्रॉमा हिट होता है। मैं अच्छा ये बता दो, ये तो आप गैस कर पाओगे कि लॉकडाउन कितनी तेज लगा था? एकदम रातों रात छापा पड़ता है ऐसे वैसे। आप दोनों साथ बैठे क्योंकि आपकी बातें कोरिलेट कर रही है। बट लॉकडाउन कितनी तेज लगा था? एनीबडी? इवनिंग 7 o'clock, लॉकडाउन बहुत तेज लगा था। आनंद फानंद में लगा था लॉकडाउन यार। मैं झूठ नहीं कह रहा, मैं घर पे लेटा हुआ था, एकदम से आके लगा है। कब है? इतनी तेज लगा है? मुझे तो पहले लगा छत से ईंट गिरी है। फिर पापा कह रहे हैं लॉकडाउन लग गया। आपको लग रहा होगा कि इतनी भी तेज नहीं लगा, मैं सिर्फ ऐसे कॉमेडी बातें बनाने के लिए बोल रहा हूँ। मैं प्रूफ एग्जाम्पल देके प्रूफ कर सकता हूँ। आप याद करो हमसे सरकार ने 2020 मार्च में क्या बोला था। कहते सुनो, संडे एक बार अंदर चलो जरा, संडे प्लीज, संडे पक्का, संडे आई रिक्वेस्ट, तेरी माँ की संडे, प्लीज, आई मीन प्लीज पक्का, तुम्हारे बाप की कसम संडे। हम पहचो संडे अंदर गए, मंडे बाहर से बंद कर रहे हैं। इतना बड़ा विश्वासघात, अगला भरोसे पे अंदर गया आपके, मेरे कच्चे बाहर ले गए। हमारी बालकनी परली तरफ थी, ये क्या तरीका हुआ? मैं आपको झूठ नहीं कह रहा, मैं आप इतनी तेज लॉकडाउन लगा के गए, आप गलती से आधा पैर बाहर रखो, पहचो पैर पलट। मैं घबराया कि कानून चौथी मंजिल तक आ गया है। इतने लंबे हाथ तो किसी के नहीं होने चाहिए। बहुत ज्यादा डर का माहौल था यार, बहुत ज्यादा। और मैं तो आपको बताऊं, इतना लॉकडाउन लगा, हम घर में 5 लोग रहते हैं, मैं, मम्मी, पापा, भाई और भाभी, 5 लोग। हमारी आपस की बातें ही खत्म हो गई। हमने सब बातें कर ली यार, इतना लॉकडाउन बहुत लगा है ना, हमने सब बातें कर ली। मतलब आप ये सोचो, हमने इतना तक डिस्कस कर लिया कि भाभी की साइड के कौन से रिश्ता हमें पसंद ही नहीं है। भाभी की प्रेजेंस में वो पहचो अगली, वो भी तेज, उसने मुंह पे कह दिया, कह रही मुझे तुम चारों ही पसंद नहीं हो। मैं इतना सच कहने की तो नहीं हो रही थी यहाँ पे। अरे नहीं यार सर, मैं आपको, हमें लॉकडाउन में, अब घर वालों के साथ जब बैठोगे तो बातें खुलती हैं, हमें पता लग गया कि हमारी कौन सी चाची प्रॉपर्टी की भूखी है। हाँ हाँ, वो दिन है और आज का दिन है, रोज प्रार्थना कर रहे हैं सुबह उठ के कि नया वाला वेरिएंट हो जाए। मैंने हर वे में चेक किया, मैं कहा चाची हो? अच्छा, ओ हो। मेरे को कोई शर्म नहीं इसमें। नहीं बट आप, बातें तो बहुत बात की बात है कि बातें खत्म हो गई, बहनचो सीरियल खत्म हो गए। सीरियल नहीं, आप समझ रहे हो, मतलब ये तो नहीं खत्म होने चाहिए थे, ये तो अनिश्चित काल से चले आ रहे हैं। मैं एकता कपूर को ट्वीट कर रहा हूं, पागली बच्ची कुछ खा ली? तू कैसे खाली बैठी है? और आप मेरा यकीन मानना, सीरियल ऐसे खत्म हुए, मेरी मम्मी, पर्सनल मम्मी, मेरी मम्मी तो पर्सनली होती है, मेरी पर्सनल मम्मी ने आके कहा है, बेटे सीरियल खत्म हो गए, गैंग्स ऑफ वसेपुर लगा दो। मानसिक स्थिति पे असर पड़ा है लॉकडाउन का शायद। तो मैंने बड़ा सभ्य समाज का बन के, मैं पूरा नहीं बताना होता, माँ है बहन पागल, तो मैं कहा मम्मी ये ना आपके मतलब की ऐसे मूवी है नहीं, तो आप रहने दो। तो आगे से जो उन्होंने कटाक्ष दिया है, कह रही तुम भी तो मेरे साथ बैठ के अनुपमा देखते हो। मैं कहा अनुपमा? मैं कहा उस औरत की मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ, इतनी दिक्कतें हैं बहनचोद उसके जीवन में, 2-3 बार टीवी पर रो रही थी, मैं जाके आंसू पोंछे, मैं कहा चुप कर, आए दिन
करती रहती है। और भाई मैं बता रहा हूं, उस औरत से, वो इतनी तिलस्मी औरत है ना, उससे इस धरती की हर लड़की रिलेट कर रही है। मैं झूठ नहीं कह रहा, 14-14 साल की लड़कियों को मैंने बात करते सुना है, बाक व अनुपमा को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं कहा तेरी बाक, तेरी बाबा ब्लैक शीप की उम्र है, बाक व अनुपमा नहीं। और भाई लौंडे फंस गए अनुपमा के चक्कर में, और वो अलग है, वो नहीं, वो लस्ट में नहीं फंसे है, चिंता में फंस गए। मेरा बाप ऑफिस से आके ये नहीं पूछ रहा मां जिंदा है या नहीं, आगे कह रहा है अनुज का कॉल आया अनुपमा। कौन अनुज? माँ तो माँ, मैं तो उनको ब्लेम नहीं करता, क्योंकि वो पूरे दिन, देखो माँ हमारी घर पे रहती है, ठीक है, उनके पास और कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं। बाप मेरा, इस आदमी ने डिस्कवरी चार्ट लिया है, इसको हर तरीके के जीव जंतु के बारे में पता है यार, पानी में देख के कह रहा है ये तो ये है। मैं कहा अरे हम कह रहे हैं मछली जल की रानी, ब्रीड बता रहा मछली की, और इतना डिस्कवरी देख लिया है। अब खाली बंदा क्या करे, बालकनी में जाके रैंडम कमेंट्रियां कर रहा है, हमें बुला भी रहा है सुनने के लिए, कह रहे बच्चे इधर आओ देखो वो क्या हो रहा है। मैं कहा कुत्ता सुसु कर रहा है, इसमें तो कोई नई बात नहीं है। कह रहे नहीं, नर अपनी गंध छोड़ रहा है। कौन नर? उसका नाम नर है, ब्राउनी बुलाते हैं बहन जो हम उसको, ये करेक्टर नहीं छोड़ रहे, नर अपनी गंध छोड़ रहा है मादा के लिए, मादा भी है, और मादा उसे सूंघ के फैसला करेगी कि उसको नर के साथ जीवन बिताना है या नहीं। मैं कहा इनका इलाज करो पहले भाई साहब। और वहीं खड़े खड़े मैंने कहा ये किसकी गंध है मैं? भाई साहब लॉकडाउन बहुत टफ, आप बिल्कुल, आप लोगों को मजाक लग रहा है, मैं सही बता रहा हूँ, इतना गंभीर माहौल हमारे घर में, पता है वो वाली कन्वर्सेशन होना शुरू हो गई थी एक टाइम पे, इतना डर का माहौल, न्यूज में इतना ही खराब खराब खबरें आ रही हैं, वो कन्वर्सेशन, मम्मी पापा के कह रहे हैं बच्चों पता कर लो पैसा कहाँ रखा है, क्या पता कब वक्त आ जाए। मैं कहा पागल हो आप, मैं माँ बाप को ऐसी बात करते सुनूंगा? मैं कहा नहीं एक सेकंड, मैं कहा भगवान करे मेरी उम्र भी आपको लग जाए। वो और जोर जोर से रोने लग गए, कह रहे नहीं नहीं ये सब मत बोलो। मैं कहा क्यों, ऐसे ना बोलूं, मैं औलाद हूं आपकी मैं। कह रहे नहीं नहीं बेटे मत बोलो, तुम तो हमसे पहले जाओगे। ऐसी बातें क्यों हो रही है यहाँ पे? हम नर मादा में साथ नहीं थे क्या? और मैं आपको झूठ नहीं कह रहा, मैंने सामने से पूछ लिया, मैं कहा अच्छा बता दो कहाँ कहाँ रखा है। तो अब बहन जो छाती पीट कर रोना चालू कर दिया। मैं कह रहे मैं गंदी औलाद नहीं हूँ, मैं तो आप कह रहे थे इस चक्कर में, और जोर से रो रहे। मैं कहा बताओ तो हुआ क्या? कह रहे नहीं पैसा नहीं रखा है ना। वो पैसा रखा ही नहीं है, फिर भी मैंने बेइज्जती करवा ली अपनी। मैंने अगले दिन जाके चेक किया कि ये बोनवीटा में जो विटामिन बी है ये कहीं बकचोदी का तो नहीं है, क्योंकि हमारा घर सारे यही पी रहा है यार। अरे बहुत बहुत गलत सीन यार, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मुझे लॉकडाउन की रियलिटी मैं बता देता हूँ, शायद अप्रैल का महीना था जब मुझे हिट हुई कि ये बहुत ज्यादा सीवियर मामला है, क्योंकि पापा, पर्सनल पापा, जब मम्मी पर्सनल पापा ना हो तो उन्होंने आके पता कितनी गंभीर बात बोली, कह रहे बेटे हुआ ऐसा है कि देने के लिए जितनी नसीहतें थी खत्म हो गई सर। मैं कहा ये तो आपका मेन जॉब था। अरे क्या 60 की उम्र के बाद पापा का काम क्या होता है? सुबह उठो एडवाइस दो, रात को डिसअपॉइंट होके सो जाओ। हाँ हाँ, अरे वो यार हम भी तो गंदी औलाद है ना, हमको सब पूरी कर रहे हैं। और पापा ने तो लॉकडाउन में जो स्किल सीखे हैं, क्योंकि सीरियल तो ये भी देख रहे हैं, हॉटस्टार देख ले, फैमिली मैन करके उसे आया था, क्या मस्त होता है। जैसे ही खत्म हुआ कह रहे हैं एक काम करो, इनसे पूछो दूसरा सीजन कब आएगा। मैं कहा मैं नहीं जानता मनोज को, हमारी फुप्पो का लड़का थोड़ी है बहनचो, कि मैं उसे बात कर लूं। तो पापा कह रहे नहीं नहीं हॉटस्टार को ईमेल करो। मैं कहा सुनो मैं ये सब नहीं कर रहा। तो पापा ने लेवल एस्केलेट कर दिया, कह रहे एक काम करो मुझे ईमेल करना सिखा दो। मैं कहा मैं कर रहा हूं। मैं कहा मैं इस दरिया में नहीं कूदूंगा। लेकिन जीत पे अड़ गया वो आदमी, कह रहे नहीं मुझे सिखा दो ईमेल करना। मैंने सिखा दिया भाई, माय फादर इज अ वेरी हार्ड वर्किंग होमो सेपियन। हाँ वो ह्यूमन तो नहीं, होमो सेपियन ही है वो। तो मैंने सिखा दिया और वो सीख गए, 3 दिन में ईमेल करना सीख गए, लेकिन ज्यादा सीख गए, एक्स्ट्रा नॉलेज ले ली उस आदमी ने। सुबह ब्रेकफास्ट की टेबल पे बात हुई है, मैं पोहे खा रहा हूँ, कह रहे संतरे खत्म हो गए हैं और केले भी लाने, ठीक है। तो ये तो समाज को बोल दी ना उन्होंने बात, ठीक है मैं अपना काम करने बैठ गया। मुझे 3 घंटे बाद ईमेल आया कि डियर इंदर, प्लीज ब्रिंग 1 किलो ऑरेंजेस एंड फाइंड बनानास, देख लेना केले पके हों, रिगार्ड राजेश कुमार सानी।
अंडर साइन पापा. मैंने एज अ वेरी ओबीडियंट चाइल्ड इग्नोर करी ईमेल. सुबह से इसके बाद तो कोई काम, हमारे बाद तो काम है, मैं ऑफिस का काम रहा हूँ. दो घंटे बाद ईमेल, डियर इंदर जेंटल रिमाइंडर, प्लीज एक्शन ऑन प्रीवियस ईमेल, रिगार्ड्स फादर साहब. मैं कहा ये आप समझ रहे हो, रिगार्ड में बदतमीजी आई है हल्की हल्की कि कहीं तीसरे रिगार्ड में रैप्टे बने हुए हैं, समझे. तो मैंने कहा यार ऑफिस गया बाढ़ में बैच, मैं पहले संतरे लेके आऊंगा. मैं संतरे केले ला के मैंने रखे, मैं कहा ये लो खा लो जाओ. मैं ऑफिस की लॉगिन कर लिया, अपना काम कर रहा था मैं, ऑफिस की ईमेल पे तीसरी ईमेल आई है और उसमें सीसी हो रखा मेरा बॉस कि डियर इंदर संतरे वर फाइन, केले पक्के नहीं थे. रिगार्ड्स मिस्टर साहनी. राइट अवे मेरे बॉस का कॉल आया कि पैंचो ये कौन सा क्लाइंट है, और वो छोड़ो तुम क्लाइंट के लिए संतरे क्यों ला रहे हो. मैंने कहा बॉस, वो कह रहा मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हें केलों की समझ नहीं है. मैं कहा तू भी पाल ले गया. केले मुद्दा के समझना है. तो कह रहा नहीं, आई रेज दिस टू द एचआर. मैं कहा मार बहन से जा, सब कर रहे तू भी कर ले.